खट्टा होता है बोलते, लेकिन मैं कभी ट्राई नहीं किया हूँ, खाए नहीं हूँ। सुनने के लिए ये देखिए भैया हमारा भी आज हो गया कांड। वाओ सामने देख रहे हो गाइस। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। और अभी सुबह का 6 बज गया भाई, आगे देख रहे हो सूर्य देव दिख रहा है आपको ना, थोड़ा निकल गया है। और बढ़िया, यहाँ सुबह सुबह ना सभी लोग स्कूल जा रहे हैं, दर्दातुन करके जा रहे हैं, मतलब सुबह सुबह उठ गए हैं। और हम लोग सुबह सुबह तैयार हो गए, रात में रुके थे मंदिर में, लेकिन अभी तक पता ही नहीं चला मंदिर कौन सा किन सा भगवान का है, क्योंकि ताला लगा हुआ है ना, तो पता ही नहीं चल रहा है। हाँ अच्छा, बजरंग बली जी का मंदिर है भाई। तो यहाँ पे तैयार हो गए, पूरा साइकिल वाइकिल एकदम रेडी लगा लिए हैं। और यहाँ पे तिरंगा देखो, फिर अपना तिरंगा आ गया। कल यार एक तिरंगा ऐसे ही नीचे गिर गया था, पता ही नहीं चला कितना समय गिरा, वो लोग दोनों पीछे थे, उनको पता ही नहीं, मैं जब पीछे आया तब देखा यार तिरंगा है। तो अभी सुबह निकलने का तैयारी हो गए पटना, यहाँ से पटना की दूरी है 100 किलोमीटर, तो अभी सुबह सुबह निकल रहे हैं, हमें पहुँचना है जल्दी से जल्दी पटना। तो हमें कोशिश करेंगे 3 बजे तक पहुँचेंगे, क्योंकि 100 किलोमीटर है, तो अभी सुबह सुबह निकल जाते हैं। बढ़िया मस्त, चले भाई। ओहो साहू जी, चले चलो चलो चलो। तो जी अपन लोग निकलते हैं, आप लोग निकल गए हैं पटना की ओर, और पीछे से गाड़ी आ रहा है बड़ा वाला, पंप बार जा रहा है। गांव का एरिया है, बढ़िया ठंडा ठंडा लग रहा है, सुबह सुबह साइकिल चलाने की मजा ही अलग है। कुत्ता देख रहा है खतरनाक तरीके से, जैसा रोड खराब है यार, तो दिक्कत होता है बहुत ज़्यादा, सही बता रहे। अरे गांव का नाम क्या बोला, मैं ही भूल गया गांव का नाम, रात में बताया था काग ने गांव का नाम। इधर पे एक चीज गंदा है यार, साइड में ना, लेफ्ट साइड में आप देख ही नहीं सकते, भगवान दिख जाएगा, समझ रहे हो ना भाई, पूरा गंदगी यार। ऐसा लगता है बिहार में शौचालय बना नहीं है क्या, पूरा सभी लोग इस साइड में आके बैठे रहते हैं, बताओ महिला पुरुष सब भाई खतरनाक। ये छोटा सा ढाबा है, होटल है, यहाँ पे मिल रहा है समोसा गरम गरम, खाते हैं। और अभी 7:40 हो गए हैं, लेकिन इधर सामने देख रहे धूप हो रहा है भाई। एक गांव है इधर पे, पता नहीं गांव का नाम क्या है फिर। और इस साइड में पूरा खेत खेत, बढ़िया मस्त लग रहा है। और आज हवा का बहाव कम है इस साइड में, तो पहले नाश्ता करते हैं। इधर पे है समोसा, ये देख रहे हो गरम गरम निकल रहा है, तो समोसा खाते हैं उसके बाद निकलेंगे अपन। हम लोग नाश्ता करके निकल गए, समोसा खाए भाई। और वो समोसा में चटनी दिए थे हमारा, खट्टा वाला प्लेट था, आम का था, खटाई बोलते खटाई था, खटाई का चटनी सही है, बढ़िया था, लेकिन ज़्यादा ही खट्टा हो गया था। बाकी इधर खेत में देख रहे हो निंदाई चल रहा है खेत में, अभी लोग काम करने जा रहे हैं। ये है जगदीशपुर, जगदीशपुरा, यहाँ भी काम चल रहा है, हाईवे का यार पूरा। और यहाँ से आरा की दूरी है वो 25 किलोमीटर दूर है, आरा आरा जिला है, अभी हम आरा जिला में बिहार के, आरा रा रा आरा गाना तो समय बाद ताड़ का पेड़ दिखाई डाल गए, हमें साउथ में दिखता था ऐसा, देखते इधर सिंध का भी है। बिहार में पहली बार इस साइड में ऐसा देख रहा हूँ, साउथ में तो मज़ा ही आ गया था उधर पे, दार्जिलिंग का फल भी बहुत अच्छा लगता है, मैं खाया हूँ साउथ में ही खाया हूँ मैं, गर्मी दिन में बहुत फायदेमंद। बाकी ये आगे में देख रहे हैं घोड़ा जा रहा है, घोड़ा वाला भाई भाई एक राउंड दे दे यार इसमें, हैं एक राउंड दे दे यार नहीं समझ रहा है, हाँ नहीं दूंगा बोल रहा है, नहीं दूंगा बोल रहा है, हाँ। हम लोग पहुंच गए आरा, आरा 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 है, और एक जिला है आरा, मतलब बिहार में जो जिला पड़ता है वो जिला है, एक जिला पड़ता है आरा। कहाँ पहुँच गया, और अभी टाइम हो गया 10:30, और धूप बड़ा तगड़ा हो गया भाई। और यहाँ से ना जो पटना की दूरी है वो 50 किलोमीटर बाकी है, और 50 किलोमीटर आ गए हम,
50 किलोमीटर बाकी है। गुड आफ्टरनून, 12:10 हो गए हैं और धूप बहुत तेज हो गया भाई। हम बहुत सीधी से बाहर आ गए हैं 5-6 किलोमीटर। तो हेलो जो गुड आफ्टरनून आप सभी जन को, अभी बज रहे होंगे कितना, और भाई सामने देख रहे हो धूप कितना हो रहा है, खतरनाक। और अभी हम लोग रुके हैं एक होटल में, ये भैया रुकवाए हमें। बहुत दूर तक हम लोग चले गए थे लेकिन भैया हमारे पीछे पीछे आए, फिर हमें रुकवाए। भैया आपका नाम? साहिल राज। भैया का नाम है साहिल राज। और भैया से मिल के बहुत अच्छा लगा कि यार उतना दूर जाने के बाद कोई बंदा आगे आके बुलाता नहीं, लेकिन भैया हमें गए वहाँ पे, फिर बुलाए, अभी यहाँ पे लाए हैं और हमें खिला रहा है भाई। यहाँ का अपना मतलब बिहार का ना भाई जाने माने ये फूड होता है, मतलब ट्रेडिशनल होता है बिहार का, सही ना? मतलब अगर बिहार आओ और लिट्टी चोखा नहीं खाओगे ना तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो वही है भाई, स्पेशल है। अगर बिहार आओगे ना तो एक बार लिट्टी चोखा जरूर चखना। यहाँ पे बोलते हैं ना, एक बिहारी 100 पे भारी, और लिट्टी चोखा जरूर खाना, ये डायलॉग बहुत फेमस है बिहार में। तो भाई अपन खा रहे हैं लिट्टी चोखा, भैया खिला रहे हैं लिट्टी चोखा, खाते हैं उसके बाद निकलेंगे। ऐसे यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है आपका। आपको एक चीज़ दिखा रहे हैं, ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ का क्या नाम है? अमरक। हाँ बिहार में बोलते हैं, बिहार के भाषा में बोलते हैं अमरक। हाँ और इसको खाते हैं भाई इधर पे, ये देखो ये पका हुआ है, ये गिरा हुआ है, देख रहे हैं, ये बहुत सारा है और इसको खाते हैं। खट्टा मीठा होता है बोलते हैं, लेकिन मैं कभी ट्राई नहीं किया हूँ, खाया नहीं हूँ, लेकिन आज खा के देखता हूँ कैसा लगेगा। तो अभी देखते हैं खा के। अमली है ना, इमली, वैसी खट्टा मीठा लग रहा है, बढ़िया। हाँ बाकी खट्टा मीठा लग रहा है तो बढ़िया है भाई। मैं तो कभी खाया नहीं था, फर्स्ट टाइम खाया हूँ और फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूँ भाई, देखा हूँगा लेकिन मेरे को समझ याद नहीं आ रहा है। हमारे इधर भी होता होगा क्या ये? हमारे इधर होता होगा, पता नहीं होता होगा यार अमरक, लेकिन अब हमारे इधर तो कभी देखा नहीं हूँ मैं, देख रहा हूँ। और भाई उधर पे चग रहा है, ऊपर चग है, झिल्ली में लेके जा रहे हैं हम लोग खाएंगे बोल के, ये देख ऊपर में जी। देखो अमरक को भाई, हमें अभी तो पता नहीं था और कोई आया नहीं था, लेकिन अभी बच्चे लोग पूरा आ गए बिनने के लिए, देखो लेके जा रहे हैं पूरा चारों तरफ, उधर भी है, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, ये बच्चा भी खा रहा है। ये देखिए सब चुनने के लिए कितना आ रही है, देखिए ये भैया चुन रहे हैं, देखिए सब कैसे झगड़ा कर रहे हैं चुनने के लिए। ये देखिए भैया चुन रहे हैं और ऊपर देखिए कितना है। आज भाई ब्लॉगिंग कर रहा है, बताओ, बता दे अपना इंट्रो भी दे दे। अबे रुक जा, देखिए इन लोग का, और कहां है? और देखिए अंकल दोनों खा रहे हैं बैठ के। अंकल नहीं है भाई, भैया है यार, ये अंकल, ये अंकल है, वो भैया है वो। अरे यार मैं भी भैया, और ये भी खा रहे हैं। तो बाकी ये हम लोग निकल गए हैं अब फिर पटना के लिए, और अभी इस वक्त 1:20 हो गया है टाइम। वहाँ पे भैया के दुकान पे रुके थे और बहुत सारे चीज वहाँ पे हम लोग देखे, बहुत सारे नहीं लेकिन वो नया चीज देखा मैं, वो खाने वाला था ना, वो बड़ा मस्त है भाई, हम लोग रखे भी हैं भाई, मजा आ गया। तो जी इधर पे मेरे को यार पूरा साउथ का फीलिंग आ रहा है, साउथ का जैसा लग रहा है, क्योंकि देख रहा है पूरा ताड़ी का पेड़ है इधर पे, ताड़ का साउथ में बहुत लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है साउथ के जैसे। इधर पे फिर से नीलगिरी का पेड़ देख रहे हैं, इधर पे नीलगिरी का पेड़ फिर से लग रहा है हमें, दिख रहा है और बहुत अच्छा है। धूप में हमें बहुत राहत देगा अभी, बाय धूप में तो हालत खराब हो जाता है। बाकी जी हमारा भी आज हो गया कांड, मतलब तीन दिन हो गया तीनों का हो रहा है, लेकिन मेरा उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, मेरा भी चैन निकल के जा रहा है, तबाद बने। तो बाकी जी मेरा भी चैन का टूटने ही वाला था, बच गया लेकिन, और पूरा काला काला हो गया हाथ, बना लिए, मतलब उसका खिल्ला ही निकल गया था।
मतलब 3 दिन हो गया, तीनों का कुछ ना कुछ हो रहा है। बताओ बिहार में। बाकी जी गुड आफ्टरनून आप सभी जाने को। अभी 3:30 होने वाला है और हम रुके हैं ढाबा में खाना खाने के लिए। ये है सत्यम ढाबा और इधर पे दाल चावल खा रहे हैं। यहाँ पे आज सब्जी दिए हैं, दाल दिए हैं और ये चटनी दिए हैं। कुछ डिफरेंट टाइप का चटनी है, प्याज आलू पूरा आइटम दिए हैं भाई साहब। गजब। भूख भी लग रहा था और यहाँ से 20 किलोमीटर है पटना, भी खा के निकल जाएंगे तो आराम से 5 बजे तक अपन लोग पहुँचे। गुड इवनिंग आप सभी जने को। अभी हो गए हैं 4:25 और हम लोग ढाबा से निकल गए खाना वाना खा के। और यहाँ से जो पटना की दूरी है वो है 12 किलोमीटर, लेकिन हमें एक लोकेशन में जाना है। यहाँ पे एक मेरे हमारे सर रहते हैं, उनसे जाके आपको मिलाएंगे। उन्हीं के लोकेशन में जा रहे हैं हम, वो है 15 किलोमीटर यहाँ, उनके घर यहाँ रुकेंगे तो आपको मिलाएंगे उनके। वाह सामने देख रहे हो गाइस, पूरा ताल का पेड़ अगल बगल में है, रोड इतना सुंदर लग रहा है यार। ऐसे केरला में देखने को मिलता था, अगल बगल में ताल का पेड़ है, नारियल का पेड़। गुड इवनिंग आप सभी जने को। और इस वक्त अभी हम हैं पटना में और जहां आपको बताया था लोकेशन वहां पे आ गए हैं, और जिस सर के पास हमें आना था वहां भी आ गए। हम लोग का साइकिल है नीचे में, उसको दिखाऊंगा आपको, साइकिल नीचे में है। उससे पहले हम मिलाते हैं आपको हमारे जो सर हैं। तो बाकी ये है हमारे सर जी दिग्विजय सर। नमस्कार। तो ये है सर दिग्विजय सर। हम कब मिल रहे हैं, कितना साल हो गए सर? 4 साल हो गए ना, 4 साल बाद हम योगेश से मिल रहे हैं। ऐसा है ना, हमारा एजुकेशन दिया हुआ आज भी बरकरार है लड़का में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे जोश और जुनून के साथ आज हमें बहुत हर्ष और खुशी हो रहा है कि हम कैसे लोगों को कुछ सिखाए बताए कि आज हजारों हजार किलोमीटर चल के आज हमारे पास बिहार पहुंचा है। और उम्मीद करते हैं साइकिल की वजह से इसको पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरा दुनिया में इसका अच्छा नाम। थैंक यू सर। और आप सबका भी प्यार बना रहे। योगेश भाई बहुत दूर तक, बहुत ऊंचा तक जाएंगे, हमारा सपोर्ट आशीर्वाद हमेशा बना रहे। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। और बाकी सर हैं बिहार के ही हैं, पटना के ही हैं इधर पे। और बाकी इनका सर का बढ़िया मस्त रूम है। और इधर पे दादा हैं। दादा गुड इवनिंग। उधर पे अपना साहू जी, कैसा लग रहा है साहू जी? बिहार में रह के आगे जाएंगे ना, बहुत कुछ दिखाएंगे आगे। और कुछ कुछ जिला है वहाँ पे भी कुछ कुछ पहचान है, तो उनसे भी मिलाएंगे। और उधर पे ना बहुत कुछ देखने का जगह है, और पटना में बहुत कुछ देखने का जगह है, तो पटना भी एक्सप्लोर कराएंगे आपको। तो आप लोग उस चीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और कंटिन्यू मेरे साथ बने रखिए। हम लोग नॉर्थ ईस्ट भी जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट आपको देखना है ना भाई, उधर का खूबसूरती देखना है ना, तो आप लोग ना हमारे साथ कंटिन्यू बन के रहिए। 4 महीना आपको पूरा नॉर्थ ईस्ट घुमाने वाले हैं। तो बाकी ये कुछ था, इस वाले ब्लॉग को हम एंड करते हैं। आपको मिलेंगे आपको सुबह नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना और घर पे सेफ रहना गाइस। गुड नाइट, बाय बाय।